इस मुल्क में और इस मुल्क की तारीख में, लेकिन ये जो यहाँ पे ड्रामा हुआ है ऐसा कभी नहीं हमने देखा। ये तो रिजल्ट कोई और आ रहे हैं। फॉर्म 45 का जो कहते हैं, फॉर्म 45 कहानी कुछ और बता रहे हैं। रिजल्ट्स पूरे लिए नहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स से और अनाउंस 6 बजे अपनी मर्जी के, अपनी मर्जी के वो कर रहे हैं। ये अब यहाँ पे हो जाए ऐसे वो कर डिक्लेयर कर रहे हैं वो। मतलब एक आपने इलेक्शन प्रोसेस का मजाक उड़ाने उड़ाएं, पर बिल्कुल इलेक्शन प्रोसेस का आप धज्जियाँ उड़ा दें, ये कभी नहीं हुआ। हम तो पहले कहते थे कि जहाँ पे क्या, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, कि जहाँ पे वो हिफाजत वगैरह उनकी होती है तो वो फ्री एंड फेयर पोल्स होते हैं। भाई आपने वो भरम भी तोड़ दिया। ये सारा कुछ जो हुआ है आरोस को नीचे लगा के, लोगों को बाहर करके, हमारे चकवाल में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स एक किस्म का किला है, आप अंदर जा ही नहीं सकते। मुझे 6 बजे, मैंने कोशिश की थी काउंटिंग वाले दिन करने की, मुझे ज़बरदस्ती निकाल दिया गया, वीडियो फुटेज मौजूद है। फिर अंदर आके उन्होंने टेक ओवर कर लिया और अपने मनमानी रिजल्ट्स दी। यार ये तो यहाँ कर ले, देखने दें। अच्छा एक आप मजाक देखें, हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को 11-12 हज़ार उसके वोट है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45, उसको 74,000 वोट्स दे दिए हैं। ये तो जो उनके सिंध में विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके पास नहीं है इतने वोट्स। अजीब अजीब बैठ के उन्होंने कर लिया जल्दी में और अनाउंस कर दिया। शुक्र है ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ नोटिस ले रहा है और रिजल्ट्स रोक दिए गए हैं। और मेरा जो है, हमारा जो हल्का है NA 58, उसके भी सारी कार्रवाई रोक दी गई है और परसों 14th को रिपोर्ट मंगाई है आरओ से। बेचारा आरओ क्या देगा? आरओ तो वो रिपोर्ट देगा जो ऊपर से उसे बताई जाएगी। इनके साथ हमारे हलके में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तजलील की गई, उन बेचारों को सारी रात खड़ा रखा, उनसे रिजल्ट नहीं ली गए। वो सुबह तक सर्दी में खड़े रहे और उनसे रिजल्ट लिए बगैर रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए। मतलब ये इलेक्शन प्रोसेस, वो जो कहते थे ना लेवल प्लेइंग फील्ड, ये थी और ये मजाक हुआ है। थैंक यू। तो आपने कहा कि जब उनकी मौजूदगी में ये काउंटिंग कराई गई या उनकी मौजूदगी में अगर इस तरह आरओ को दबाया गया तो उनसे मुराद कौन है? You understand that? जब आप समझते हैं सब चीज़ तो आप क्यों पूछते हैं? इससे कबल दोस्त आशिक अवान आई थी, उसने कहा कि पुलिस ने ठप्पे लगाए हैं, तो क्या पुलिस ने ठप्पे लगाए थे तो क्या यहाँ भी यही सूरत हाल थी? आरओ से जबरदस्ती सब कार्रवाई करवाई गई, लेकिन दस्तखत तो आरओ के है ना, उनसे वो करवाए। सर आप नाम तो ले लेना, किसने किया ये सब कुछ? आपको पता है नाम, नाम नाम वो ले लेंगे। और ये जो है ना, आप जो वो जो आप कर रहे हैं, आई नो हाउ ब्रेव यू आर, यू अंडरस्टैंड दैट। सर कौन को, तो पब्लिक को पता होना चाहिए ना किसने किया है। ऑफ हेवन से एक सबको पता है। नहीं पता आपको? नहीं पता, नहीं पता आपको? फिर आप यू आर इग्नोरेंट देन। हाँ एवरी वन नोज दिस, क्या हो रहा, किसकी सुपरविजन में हुआ है। अभी हम कह रहे हैं आरओ से रिपोर्ट तलब की और वो वही रिपोर्ट देगा जो उनको मिलेगी, तो फिर क्या आप आवाम का मैंडेट जो आपसे चुराया गया तो वो दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे और इंसाफ मिल जाएगा? आई डोंट नो हाउ द प्रोसेस अनफोल्ड्स, मैं नहीं कह सकता, पर कम अज कम वो जो है मजाक जो है वो कर रहे थे वो तो रोक दिया है ना। हमारे पास फॉर्म 45 कहाँ पे पड़े हुए, हमारे सारे हमारे पास पड़े हुए 459 पोलिंग स्टेशंस ऑफ NA 58, और जो फॉर्म 47 है वो टोटली डिफरेंट है। सर ये बताएं कि 2018 में
भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, आज भी लेवल। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिबेट प्लीज, फॉर हेवन से कुछ रैम करें कॉम पे, इन डिबेट्स में मत पड़ा करें। तो पीटीआई ने फिर से ये जो है बात आज की हो रही है, 2018 में ये हुआ था। Talk about the here and now, the absurdity of this, not the absurdity, the outrage, outrageous जो यहाँ हुआ है। Thank you sir. Sir,